हमने ये स्टडी किया था कि रेडिएशन रेडिएशन जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे इसका नेचर वेव का और वेव लेंथ होती लैम्डा। ओके, अब आपने ये पढ़ा कि रेडिएशन में पार्टिकल नेचर होता है और इसके रेडिएशन में पार्टिकल लाइट जो चीज जाती है दैट इज फोटॉन। फोटॉन्स हैव गॉट पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव गॉट मोमेंटम एंड दे गो इन ए स्ट्रेट लाइन, दे कैन स्ट्राइक ए सरफेस एंड गिव एनर्जी। द एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। फोटॉन का कंस्ट्रक्शन किस तरह से सोचा गया है, इट इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी। ओके, सो दैट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडिएशन एज मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक। और फिर बाद में जाके हमने देखा लाइट के जो फिनोमिना होते हैं उसको हमने दो तरह से कैटेगराइज किया और एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन दीज कुड बी एक्सप्लेन ओनली बाय वेव नेचर। वेव नेचर एंड फोटॉन नेचर मटेरियल नेचर कुड नॉट एक्सप्लेन फोटॉन वेव नेचर एक्सप्लेन बिकॉज ऑल ऑफ देम मीट वेवलेंथ डिफरेंस इन द वेवलेंथ एंड फेज डिफरेंस। ओके, बट व्हेन वी सी द फिनोमेना लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिस इज व्हाट वी स्टडी and we see the phenomena of Compton effect, this we are not studying, similar like that, here we got energy and momentum related to each other and energy depends upon frequency. So here momentum is involved and we say this can be explained on the basis of photons which have got energy, which have got momentum and which move in a straight line, that is the characteristic of particle. उसके basis पे ये दोनों explain किए and wave theory cannot explain this. Wave theory cannot explain this. So we say the particle nature, the radiation has particle nature. Here photon theory could not explain it. So we said the radiation has got wave nature. So, but both the phenomena we are observing in the nature. दोनों phenomena हमको nature में दिख रहे हैं। तो फिर nature है क्या? Sorry, इनका characteristic है क्या? तो हमने ये माना that they have got dual characteristic. Dual. यानी ये भी है और ये भी है। इसको और हमने finally study किया और study करने के बाद हमने ये सेटल किया दैट व्हेनेवर लाइट इज ट्रैवलिंग इन ए सिंगल मीडियम इट हैज गॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव नेचर। व्हेनेवर लाइट इज ट्रैवलिंग इन ए सिंगल मीडियम इट हैज गॉट कैरेक्टरिस्टिक वेव नेचर। सिंगल मीडियम वेव नेचर and whenever there is a change in medium, whenever there is a change, then there will be interface of the second medium. So the light goes and strikes the interface of the second medium, then either it is reflected or it is absorbed or it is transmitted. But whenever it strikes the second medium, then it takes the photon or the particle nature. जब स्ट्राइक करने की बारी आती है तो वो कौन सा नेचर शो करती है, मटेरियल नेचर और फोटॉन नेचर।
interface of second medium. Okay, then it shows momentum, P. So this is the very famous formula.
you should remember it, that momentum of photon is h upon lambda. Okay, ये हो गया. अब इससे अगर हम lambda निकालना चाहें तो हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं. Wavelength lambda of photon is h upon p. ये बनता है. ओके, हमको उसके lambda की जरूरत नहीं है, पर इट्स ए रिलेशन, इसे आप याद रखेंगे. अब अगली चीज हम आते हैं इस पर. यस, वेव नेचर ऑफ मैटर. वेव नेचर ऑफ मैटर, अवर नेचर इज मेड ऑफ आइदर एनर्जी और मटेरियल पार्टिकल्स. ये दोनों चीजों को मिलाकर ही नेचर बनता है. एनर्जी के पास या रेडिएशन के पास ह्यूमन नेचर होता है, या भी हमने स्टडी किया. वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है. अब नेचर से ही रेडिएशन बना है, नेचर से ही मैटर बना है. इसलिए जो प्रॉपर्टीज रेडिएशन के पास होनी चाहिए, वही प्रॉपर्टीज मटेरियल के पास भी होनी चाहिए. ठीक है, फिर से, द मटेरियल एंड रेडिएशन बोथ आर फॉर्म बाय नेचर. देयर शुड बी ए सिमेट्री इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ. वी हैव स्टडीड दैट रेडिएशन हैज गॉट ड्यूअल नेचर, वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक. Therefore, particles or the matter should also have dual nature. Logical है? ये logic सबसे पहले spell out किया था de Broglie ने. और de Broglie ने अपनी hypothesis बनाई and he said that matter, when a matter is in motion, it has both the natures, particle nature as well as wave nature. Okay? So, क्यों? When radiation or the light is in motion, it has got both the nature, waves as well as particles. यही उन्होंने matter के बारे में भी बोला, that when a matter is moving, it has got wave nature and it is associated with a wave. ये एक नई तरह की वेव थी. दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय डी ब्रॉय. ही वॉज ए फ्रेंच साइंटिस्ट. ओके, दैट वॉज इन 1924, वेरी रिसेंट वन. एंड ही सेज दैट ए मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव. We call it de Broglie wave. Okay. तो ये एक नई तरह की वेव थी. अभी तक हम लोग दो तरह की वेव्स को ही जानते थे कैटेगराइजेशन में. एक मैकेनिकल वेव्स, when the particles oscillate and energy is propagated, like sound waves, waves on the string, waves in the water, all these are material waves. और मैकेनिकल वेव विच ट्रांसमिट एनर्जी. दूसरे तरह की वेव्स हम जानते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन विच द ऑसिलेशन इज मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी इज कैरिड. सो दिस वॉज अनदर टाइप ऑफ वेव विच इज कैरिड बाय, विच इज एसोसिएटेड टू ए मूविंग पार्टिकल. सो व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग, इट इज एसोसिएटेड बाय ए वेव. And that wave is noted, that wave is called matter wave. Okay? If it's a wave, it should have a wavelength.
इसकी वेवलेंथ क्या होगी. तो डिब्रॉय ने इसकी वेवलेंथ के बारे में हाइपोथेसिस की. सिर्फ मतलब उन्होंने बताया, नो लॉजिक, उन्होंने कोई इसको लैब में प्रूफ नहीं किया. हाँ, लॉजिक उनके पास जरूर था. फोटोन इज ए मैटर ऑफ रेडिएशन एंड इट हैज गॉट ए वेवलेंथ एंड इट हैज गॉट ए मोमेंटम. हमारा जो पार्टिकल चल के जा रहा है उसके पास भी मोमेंटम है, उसके पास भी एनर्जी है, तो उसकी वेवलेंथ वही होनी चाहिए, फॉर्मूला वही होना चाहिए जो फोटोन की वेवलेंथ का होता है. सो इट सेड दैट द मैटर हैज गॉट वेवलेंथ लैम्डा व्हिच इज इक्वल टू h अपॉन t. अभी अभी हमने किया. सो इट सेड यस सेम थिंग डायसिमेट्री. So wavelength of matter wave कितनी होनी चाहिए, h upon p, and what is p? Momentum निकालना हमारे लिए बहुत आसान है. For material we know that momentum p is equal to mass into velocity. Yes. Momentum of a moving particle. Okay. This lambda wavelength is known as de Broglie wavelength. तो उनका ये कहना था कि हर मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ होती है. इट इज, देखिए वो कैसे मूव करता है, ही वाज नॉट वेरी क्लियर, इसलिए उन्होंने शब्द यूज किया एसोसिएटेड विद. एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव. अब उसके बारे में, वेव के बारे में पिक्चर अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है. हमने बहुत सारे assumptions बनाए, उन्होंने बनाए, उनके बाद के और साइंटिस्ट ने बनाए. We will study those assumptions कि matter wave कैसी होती है. Anyway, initially this matter wave has got a wavelength and every moving particle is associated with the wave. Okay? तो ये हमने उसकी wavelength निकाली. इसके बेसिस पर हम ये निकाल सकते हैं कि कोई भी मूविंग मैटर की वेवलेंथ कितनी होती है, क्योंकि हमको h की वैल्यू मालूम है. ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए. देयर इज अ बॉल व्हिच हैज गॉट वेट 120 ग्राम्स. मींस 0.12 kg. And it is thrown with certain velocity, and the velocity is 20 meter per second. 20 meter per second. When we throw it, it is associated with the wave. What is the wavelength of this wave? What is the wavelength of the ball? So, हमने ये formula लगाया. Delta of the ball which is moving is h upon p. h is 6.63 into 10 to the power minus 34 divided by p. p is m into v. m is 0.12 multiplied by v. v is 20. Okay, so we calculated this one, 6.63 upon this is, and this comes to be 2.76. into 10 to the power minus 34. This is wavelength of the matter wave associated with the moving ball. तो ये ball इस wavelength में होती है और इस wave में होती है और ये wave इसको control करती है. अब ये wavelength आप देख रहे हैं, ये wavelength बहुत छोटी है.
10 to power minus 34 meter. ये वेव अगर कोई चीज इस तरह से मूव करती है तो इसकी वेव में यहां से लेके यहां ये इतनी लंबी वेव होती है. इस वेव को अगर हम छोटा कर दें तो ये हमें इस तरह से दिखेगी. ये और छोटा कर दीजिए और छोटा कर दीजिए और छोटा कर देंगे वेवलेंथ को तो ऑलमोस्ट क्या दिखेगी वो स्ट्रेट लाइन. इसलिए हम बॉल को फेंकते हैं तो कैसी जाती हुई दिखती है स्ट्रेट लाइन बिकॉज द वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल. दिस इज द रीजन दैट वी कैन नॉट नोटिस द वेवलेंथ. इफ वी हैव टू नोटिस द वेवलेंथ देन हाउ द क्वांटिटी शुड चेंज. द आंसर इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. We should take a particle which has got m very very small, very less. और सबसे छोटे मास का पार्टिकल कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन. इसलिए कौन सी वेव हमको नजर आएगी? इलेक्ट्रॉन की वेव नजर आएगी. Okay. So electron will show a particular lambda. We can always find out the wavelength of electron. इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ अगर हमको निकालनी है तो हमको एक चलता हुआ इलेक्ट्रॉन चाहिए. जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को चलाना चाहते हैं तो हम उसको कुछ एनर्जी देंगे. ओके, इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी हम दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? तो आंसर है उसके सामने एक पॉजिटिव प्लेट रखेंगे, वो पोटेंशियल क्रिएट करेगा. जितना वो पोटेंशियल क्रिएट करेगा उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी. उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शूट आउट करेगा. जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहां पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जितनी यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी. फिर से इस बात को सुनिए, एक बॉल यहां पर है, इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? mgh 100 जूल मान लो. ये इसको हम अभी ये खड़ी है, इसको ये mgh किसके कारण है? ड्यू टू अर्थ. हमने इसको छोड़ दिया और ये अर्थ के पास आ गई. पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी. तो हमने पूछा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 100 जूल. क्यों? एमजीएच से हमने कैलकुलेट किया था 100 जूल. सो वी नीड नॉट टू कैलकुलेट हाफ एमवी स्क्वायर. इस तरह से आप अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं एंड देन यू अलाउ इट टू यूज दैट पोटेंशियल एनर्जी टू कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी बी सेम एज पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल कितनी होती है? आंसर है q into v. ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज e होता है और पोटेंशियल जो हम लगाएंगे v. सो e v इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर उस इलेक्ट्रॉन को हमने मूव करना अलाउ कर दिया v लगा के तो वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में. सो वी विल से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ev वेयर v इज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. e इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये फॉर्मूला इसका आप याद रखेंगे. अच्छा, हमने एक छोटी सी डेरिवेशन करनी है. वी वॉन्ट टू कैलकुलेट व्हाट शुड बी दी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. Do we have any particular figure? Answer is yes. We will find out to draw a wavelength of electron. Is equal to h upon p. This
Second is kinetic energy of electron is EV. Now kinetic energy of electron is EV, therefore half mv square is equal to EV. Okay, ये two और m को हमने transfer किया, so v square is equal to EV upon m. EV upon m. Okay, ये kinetic energy half mv square is equal to EV. देखिए ये तो आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी और पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा. अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं. काइनेटिक एनर्जी लेट अस गिव इट द नेम के. दिस इज इक्वल टू हाफ mv square. This we can write as half m square v square upon m. This we can write as 2m. This m square v square is p square. Mv is equal to p, so m square v square is equal to p square. This is kinetic energy. This is momentum. So momentum is equal to p square is equal to twice a n. Okay, so p is equal to root 2 kinetic energy into m. Or p is equal to root 2. और काइनेटिक एनर्जी के लिए अभी हमने एक एक्सप्रेशन क्या लिखा था. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी नॉट, सॉरी ईवी व्हाट इज वी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये हम लिखते हैं इसको टू काइनेटिक एनर्जी इनटू मास. ये काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने यहां पर लिखा ये ईवी E, V और M, M. ये हमने एक्सप्रेशन बनाया इसके लिए मोमेंटम. ओके, दिस वॉज इक्वेशन वन, दिस वॉज इक्वेशन टू एंड हियर वी स्टार्टेड दिस. ओके, P is equal to root 2 EV m. This is equal to, okay, P आ गया. ये वाली वैल्यू हमने यहां रखी. Put in this value in equation 1. ओके, लैम्डा इसके बराबर है एच अपॉन पी. एच अपॉन पी और पी की ये वैल्यू है रूट टू ई वी एम. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन. इसमें लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन. H, length constant. E, charge of electron. This is accelerating potential. And m is mass of the electron. इसमें कौन सी चीज constant है? तो answer है H is a constant, E is a constant, U is a constant and m is a constant. Accelerating potential हम कम या ज्यादा कर सकते हैं. Okay, तो अगर ये constant है तो इन constants की value रखते हैं, इनकी वैल्यू रखते हैं और वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. एच की वैल्यू कितनी रखी जाएगी,
बताइए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय v, हमने जितना अप्लाई करना है वो तो v ही रहेगा, उसके बाद m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोलो, कितना 9.1 into 10 to the power 9.1 into 10 to the power minus 31 into. अब इन सबको हमने कैलकुलेट किया और ये सब कैलकुलेट करने से आया 1.27 into 10 to the power minus 9. अब इसके बाद
सारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये मेटर वेव क्या होती है। ओके, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हिच ऑफ थ्री पार्टिकल्स हैव शॉर्टेस्ट डिप्लॉयड वेवलेंथ? वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी और तीनों पार्टिकल, वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी, इनको मिलाकर हमारे पास कोई इक्वेशन है क्या? वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी सभी अभी हमने बनाया था, लैम्डा इज इक्वल टू रूट दैट वाज lambda is equal to h upon root 2 cv, h upon root 2 e v n n। इससे एक स्टेप पहले जब ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में था, दैट वाज रूट 2 m k, e v हमने किसके लिए लिया था? काइनेटिक एनर्जी के लिए। So this we can write as 2m, वैसे ही रहने दीजिए, into kinetic energy। इस kinetic energy को क्या लिखा था? E into V, ठीक है ना? Actually ये क्या है? Kinetic energy। ये हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला, इसमें यहाँ पर देखिए क्या कांस्टेंट है? H is a constant, और हमको क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी सेम, तो सब का के कैसा है? कांस्टेंट। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पूरा कांस्टेंट एच अपॉन रूट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लैम्डा ऑफ प्रोटॉन दिस इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू के लैम्डा ऑफ सॉरी अल्फा, पहले अल्फा लेना चाहिए था, एनीवे अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू के। अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा लैम्डा इलेक्ट्रॉन, लैम्डा अल्फा पार्टिकल, लैम्डा ओके। इस सब को हमने इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लिया सी। नो, ये तो अलग अलग है। ओके, प्रोपोर्शन देखिए, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू मास, ये आ रहा है, ठीक है। हर एक में क्यू है, हर एक में के है, हर एक में एच है, इसलिए तीनों कैंसिल हो गए, तो लैम्डा इसके प्रोपोर्शनल हो गया वन अपॉन रूट एन। तो जिसका एन छोटा उसका लैम्डा बड़ा, जिसका एन बड़ा उसका लैम्डा छोटा। तो अब बताइए सबसे बड़ा एन किसका होता है मास? सबसे ज्यादा मास अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है? देयर आर टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स, देयर इज फोर, और प्रोटॉन में तो एक सिंगल होगा और इलेक्ट्रॉन उससे 1836 टाइम्स लाइटर। ओके, तो सबसे कम मास किसका? इलेक्ट्रॉन का सबसे कम मास, इसलिए लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होगा? मिनिमम एन, मैक्सिमम लैम्डा, उसके बाद मैक्सिमम एन किसका होता है? अल्फा पार्टिकल,
कितना एम हो गया इसका 4 4 यूनिट सो लैम्डा इज मिली ओके हमारा अल्फा इज मिनिमम फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज